कहानी की शुरुआत होती है और हमें रॉजर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वो अपने घर आ रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वो घर पहुंच जाने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रॉजर ने अपने नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मॉम देख लेती हैं। अब अपने घर के अंदर जब वो आता है तब वहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वही नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तब वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज आ रही है, और जब वो उस आवाज की तरफ और पास जाकर देखता है तब पता चलता है उसे कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ वहाँ पर रोमांस कर रही है। और ऐसा देखकर रॉजर फौरन अपने घर पर आ जाता है। अब जब वो अपने घर के कमरे में होता है तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है। अब जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली होती है और वहाँ भी कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब जब ये अपनी बहन के साथ सोने लगता है तब उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती है वो अभी तक वर्जिन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है कि जहाँ पर उसके घर की नौकरानियाँ नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं। और इन तीनों नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानियाँ अजीब अजीब इशारे भी करने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फौरन जाने के लिए कहने लगता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गायब हो गए थे। अब इसके बाद उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर लेकर जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रॉजर की आंटी आई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं कि जब से हमारे घर में रॉजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूँ। अब जब रॉजर को ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वो उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके। तभी वहीं पर वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तब वहाँ पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं। तब उसकी मदर पूछती है कि आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए। तब फादर कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए, और ये सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रॉजर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखते हैं कि उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और अब जब वो उस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता। अब जब वो नौकरानी रॉजर के पास आती है तब वो उससे पूछता है कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम करता है। तब वो नौकरानी रॉजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और बस वो इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रॉजर को वहाँ पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी होती है। तब रॉजर उस कहानी को छिपकर पढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है, जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रॉजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे वहाँ पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी भी आने लगती है, जिसे देखने के बाद रॉजर वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पर भी रॉजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो घर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक नौकरानी मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर देता है। अब वो नौकरानी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी मान जाती है। अब अगले दिन घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं, तब इसका फायदा रॉजर उठाता है। तब वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है। अब रात हो जाने के बाद रॉजर अपनी आंटी का इंतजार कर रहा होता है। अब काफी रात गुजरने के बाद उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रॉजर को मना करती हैं, लेकिन उसके फोर्स करने के बाद वो मान जाती हैं, जिसके बाद आज रात ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर हेलन नाम की नौकरानी आती है, तभी रॉजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रॉजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रॉजर एलिसा को सेड्यूस करने लगता है और यहाँ पर वो इसके साथ भी फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद काफी वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रॉजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एलिसा रॉजर से कहती है कि अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रॉजर की फट जाती है। अब अगले दिन रॉजर के कमरे में एक नौकरानी फिर से आती है और उससे वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, और तब तक उसकी आंटी भी आकर उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट होता है उसे प्रेग्नेंट करके ही छोड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर रॉजर की स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं
और अब वो अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और ये बेबी तुम्हारा है। और ऐसा सुनने के बाद रोजर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और आखिरकार रोजर सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर अपने स्कूल वापस चला जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।